स्टूडेंट इस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम, और इससे पहले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखा था कई सारे इंडिविजुअल इवेंट्स थे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव थे ए वन ए टू ए थ्री डैश 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 ए एम ए वन ए टू ए थ्री ए तक ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं और एक ओवरलैपिंग इवेंट के आकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाती है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको काफी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट और इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था किस तरह से लिखा था देखो पी ए गिवेन दैट ए वन इंटू पी ए वन पी ए गिवेन दैट ए टू इन टू पी ए टू डैश 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 पी ए गिवेन दैट ए एन इन टू पी ए एन दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रॉबलिटी ठीक है अब बेस थियोरम में क्या होता है इसको भी आइडेंटिफाई करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है सिंपली कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें इस वीडियो में तो हर एक वराइटी बेस थ्योरम की कवर हो जाएगी बेस थ्योरम में होता है यह है कि ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी होती है तब उसमें से कोई एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए जैसे फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा होगा तुम लोगों ने तो हमने बताया था कि सपोज कर लो किसी भी एक पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर टाइम में या तो बारिश होगी या नहीं होगी और उस दिन हमारा कॉलेज जाना इज द ओवरलैपिंग इवेंट ठीक है बारिश होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं बारिश नहीं होगी तो भी हम कॉलेज जा सकते हैं तो कॉलेज जाने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रॉब्लिटी लेकिन यही क्वेश्चन अब ऐसा कर दे कि हमें पता है कि हम कॉलेज गए हैं और इस बात की प्रॉबलिटी बताओ कि उस दिन बारिश हुई हो तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम तो बेस थ्योरम में ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी होती है उनमें से एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रॉबलिटी पूछते हैं तो दैट इज द बेस थ्योरम और इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है इस तरह से याद कर लो सपोज कर लो ओवरलैपिंग इवेंट अकर ए अकर कर चुका है तब ए वन के अकरेंस की प्रॉबलिटी तो फॉर्मुले में इसको पलट दो इसको ऐसे लिख दो पी ए गिवेन दैट ए वन और ऑब्वियसली इसके साथ क्या आ जाएगा कंडीशनल प्रॉबर्टी के अकॉर्डिंग पी ए वन और नीचे पूरी टोटल प्रॉबर्टी आ जाएगी पी ए अभी काफी सारे एग्जांपल्स हैं उसमें देखते हैं फिर से देख लेते हैं एक बार सपोज कर लो हमसे बोला जा रहा है ए अकर कर चुका है ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है तब ए टू के अकरेंस की प्रॉबर्टी पूछ रहा है तो बेस थ्योरम में इसको पलट दो और नीचे लिख दो पी ए टोटल प्रॉबर्टी ठीक है तो बेस थ्योरम में क्या करना होता है इसको रिवर्स कर दो और पी ए टू लिख दो या जो भी है प्रॉबलिटी और नीचे टोटल प्रॉबर्टी का दैट इज द बेस बेस थ्योरम तो थ्योरम में ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी होगी किसी एक इंडिविजुअल इवेंट के अगर करने की प्रॉब्लिटी अगर पूछी जाती है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम तो यहां पे मेनली आइडेंटिफिकेशन ही है अगर एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और साथ में यहाँ पे नॉमिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम इवेंट्स के नाम दे रहे हैं तो दो जगह प्रॉब्लम आती है इवेंट्स को नाम देने में प्रॉब्लम आती है और पहली चीज़ कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बैक कंटेंस टू वाइट एंड थ्री रेड बॉल्स बैग बी कंटेन्स फोर वाइट एंड फाइव रेड बॉल वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम एक बॉल निकाली गई एंड ऑफ वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड ठीक है बैग वन से बॉल निकाल रहे हैं तो ए इवेंट बैग टू से बॉल निकाल रहे हैं तो बी इवेंट आर इज द इवेंट कि रेड बॉल निकाल रहे हैं तो रेड बॉल बैग वन से भी आ सकती है बैग टू से भी आ सकती है रेड बॉल इज द ओवरलैपिंग इवेंट और हमें पता है कि रेड बॉल आ चुकी है ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी है तब प्रॉबलिटी बतानी है कि इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्यूरम क्योंकि रेड बॉल आ चुकी है विच इज ओवरलैपिंग इवेंट रेड बॉल आ चुकी है गिवन दैट रेड बॉल आ चुकी है तब वो बैग बी से है तो इसको क्या करते हैं फॉर्मूले में पलट दो और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी टोटल प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है दो बैग हैं एट रैंडम किसी से भी बॉल निकाल सकते हो तो पी ए और पीबी ये वन बाई टू आ जाएगा हमें पता है बैग बी से बॉल आ रही है तब वो रेड आए बैग बी से बॉल आ रही है और रेड आए पाँच रेड बॉल हैं टोटल नाइन बॉल्स हैं और बैग बी से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन बाई टू फिर हमें पता है बैग वन से बॉल आ रही है और तब वो रेड आए तो थ्री बाई फाइव इंटू वन बाई टू प्लस फाइव बाई नाइन इंटू वन बाई टू आई थिंक इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल लोगे तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से हम बेस थ्योरम में फॉर्मुला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन और यही सारे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में भी करे थे हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या बन जाएगा एक बॉल एट रेंडम किसी बैग से निकाल रहे हैं और वो रेड आए उस बात की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लेकिन ओवरलैपिंग इवेंट मतलब रेड बॉल आ चुकी है तब वो बैग ए से आए या बैग बी से आए तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन तीन मशीन है एबीसी ए मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है पच्चीस परसेंट बी मशीन पैंतीस परसेंट और सी मशीन रेस्ट फोर्टी परसेंट ये प्रोडक्शन हो रहा है इन मशीन्स का ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट फाइव परसेंट फोर परसेंट एंड टू परसेंट आर डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट मशीन ए भी बना सकती है मशीन बी भी बना सकती है मशीन सी भी बना सकती है तो अगर मशीन हमें पता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और वो मशीन ए ने बनाया है दैट इज पांच परसेंट ठीक है ये इस तरह से होगा हमें पता है मशीन ए ने प्रोडक्ट बनाया है और तब वो डिफेक्टिव है ठीक है दैट इज फाइव परसेंट मशीन बी ने प्रोडक्ट बनाया है और वो डिफेक्टिव है इस बात की प्रोबेबिलिटी फोर परसेंट मशीन सी ने प्रोडक्ट बनाया है और वो डिफेक्टिव है इस बात की प्रोबेबिलिटी टू परसेंट ठीक है ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ चुका है ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी है फाइन प्रॉबर्टी दैट इज इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन सी तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्यूरम डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ चुका है तब ये मशीन सी प्रोडक्ट बनाए तो पी डी बाई सी इंटू पी सी P, D by A into P A P D by B into P B नीचे टोटल प्रॉबर्टी है पी डी बाई सी इंटू पी सी और आई थिंक सारी वैल्यूज यहां पे दे रखी हैं पी ए पी बी पी सी भी दे रखा है पी डी बाई ए पी डी बाई बी पी डी बाई सी ये सारी वैल्यूज यहां रख रखे हैं, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थ्री बैग्स देर आर थ्री बैग्स ईच कंटेनिंग फाइव वाइट तीन बैग से फाइव वाइट तीन ब्लैक बॉल्स फाइव वाइट तीन ब्लैक बॉल्स फाइव वाइट तीन ब्लैक बॉल्स सपोज करो ये ग्रुप वन है तीन बैग का ग्रुप है ग्रुप वन ठीक है ऑल्सो देर आर टू बैग्स ईच कंटेनिंग दो बैग है जिसमें दो वाइट चार ब्लैक बॉल है दो वाइट चार ब्लैक बॉल है ये ग्रुप टू है ग्रुप वन से बॉल निकालना इज द ए इवेंट ग्रुप टू से बॉल निकालना इज द बी इवेंट ओके ए वाइट बॉल इज ड्रॉन एट ट्रेंडम तो वाइट बॉल तो सब में है तो वाइट बॉल तो कहीं से भी आ सकती है तो वाइट बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट दिस इज ओवरलैपिंग इवेंट वाइट बॉल का आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट फाइंड प्रॉबर्टी दैट वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप पहले ग्रुप से बॉल आई हो तो ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है अब इनमें से कोई एक पर्टिकुलर इवेंट अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम वाइट बॉल आ चुकी है अब वो ग्रुप वन से आए तो टोटल देखो जरा पहले तो टोटल कितने बैग हैं पांच बैग हैं ग्रुप वन से बॉल आए ग्रुप वन से बॉल आए तो तीन बटे पांच ग्रुप टू से बॉल आए तो दो बटे पांच क्लियर है फाइन प्रॉबर्टी दैट वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ फ्रॉम अ बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप तो आई होप ये बात समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्यों है वाइट बॉल आ चुकी है और वो फर्स्ट ग्रुप से है तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम ऊपर इसको रिवर्स करके लिख देते हैं नीचे टोटल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई ए इंटू पी ए प्लस पी डब्लू बाई बी इंटू पी बी तो बेसिकली सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू बाई ए ठीक है अब हमें क्या निकालना है पी डब्ल्यू बाई ए फर्स्ट ग्रुप से बॉल निकाली जा रही है पता है तब वो व्हाइट आए एक ही बैक से बॉल निकालनी है तो किसी भी एक बैग में आ जाओ फर्स्ट ग्रुप में आ चुके हैं थ्री बाई फाइव प्रॉबलिटी है किसी एक बैग से बॉल निकालनी है और वो वाइट आए तो टोटल वाइट है पांच और टोटल बॉल है आठ ग्रुप बी से बॉल निकालनी है तब वो वाइट आए तो टोटल वाइट है टू टोटल बॉल्स हैं छ ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां पे रख देंगे फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आई थिंक तुम लोग कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा क्वेश्चन है ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी कार्ड फिफ्टी टू कार्ड इज लॉस्ट एक card, कार्ड खो गया है तो टोटल कार्ड कितने बचे फिफ्टी वन कार्ड बचे द रिमेनिंग कार्ड्स रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक टू कार्ड्स आर ड्रॉन दो कार्ड निकाले गए मतलब 52 कार्ड में से 51 कार्ड्स बचे हैं और इसमें से दो कार्ड्स निकाल लिए गए ठीक है एंड आर फाउंड टू बी ऑफ हार्ट हार्ट हो गए दोनों कार्ड हार्ट क्या आ गए फाइन प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ऑफ हार्ट अच्छा हार्ट के कितने कार्ड होते हैं तेरा तो क्या हो सकता है फिफ्टी टू कार्ड में से जो कार्ड खोया है वो हार्ड का कार्ड भी हो सकता है इन तेरह में से कोई एक कार्ड हो सकता है जो खो गया हो या नॉन हार्ड भी हो सकता है मतलब इन थर्टी नाइन कार्ड में से कोई एक हो सकता है अगर एक कार्ड खो भी गया तो बारह कार्ड तो हार्ड के बचेंगे ना बारह कार्ड में जो दो कार्ड हैं वो तब भी हार्ड के आ सकते हैं जो मिसिंग कार्ड हार्ड का हो या मिसिंग कार्ड हार्ड का नहीं होगा तो तेरा कार्ड में से भी दो पत्ते हार्ड के आ सकते हैं <coughs> तो दो कार्ड आना वो भी हार्ड के दैट इज ओवरलैपिंग इवेंट इसको हम ओ करके लिख देते एक इवेंट मान लेते हैं कि मिसिंग कार्ड हार्ट का है बी एक इवेंट मान लेते हैं कि मिसिंग कार्ड इज नॉट ऑफ हार्ट हार्ट का नहीं ओके okay. हमें बोला गया है कि दो कार्ड हार्ड के आ चुके हैं तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मिसिंग कार्ड भी हार्ट का हो तो इसका मतलब दो कार्ड हार्ड के आ चुके हैं मतलब ओवरलैपिंग इवेंट अकर कर चुकी है तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मिसिंग कार्ड हार्ड का हो तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम बेस थ्योरम का फॉर्मूला इस तरह से होता है नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा पी ए मिसिंग कार्ड हार्ड का हो तो तेरा बटे बावन मतलब वन बाई फोर और हार्ड का ना हो तो वन माइनस वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर ठीक है अब क्या बोल रहा है पी ओ बा हमें पता है कि मिसिंग कार्ड हार्ड का है हमें पता है कि जो कार्ड मिस हुआ है वो हार्ड का है तो टोटल हार्ड के card, कार्ड टोटल कार्ड फिफ्टी है और हार्ड के कार्ड कितने बचेंगे ट्वेल्व कार्ड्स। तब दो कार्ड निकाले ओवरलैपिंग इवेंट और वो हार्ड के हों तो ये कैसे आएगा बारह में से जो हार्ड के कार्ड बचे हैं उसमें से दो निकालो और फिफ्टी वन में से दो निकालो ठीक है P. O बाई बी क्या होगा हमें पता है कि जो मिसिंग कार्ड है वो हार्ड का नहीं है तो तेरह कार्ड हार्ड के होंगे उसमें से दो कार्ड निकालो जो कि हार्ट के हैं। टोटल कितने हैं फिफ्टी वन सी टू और आई थिंक अब सारी वैल्यूज हमें पता है पीओ बाई ए पी ओ बाई बी पी ए भी पता है पी बी भी पता है तो ये सारी वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे दिस इज पी ए दिस इज पी बी सॉल्व हो जाएगा आंसर आ जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स मतलब चार बार में तीन बार सच बोलता है तो सच बोलने की प्रॉबलिटी थ्री बाई फोर झूठ बोलने की प्रॉबलिटी वन बाई फोर ठीक ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट इट इज अ सिक्स क्योंकि वो सच भी बोलता है झूठ भी बोलता है तो उसने डाय थ्रो करा और क्या रिपोर्ट करा बोला सिक्स आया है. तो तब भी रिपोर्ट कर सकता है सच बोल के जब एक्चुअली सिक्स आया हो और तब भी झूठ बोल के भी रिपोर्ट कर सकता है वन टू थ्री फोर फाइव आया हो और बोल दे कि सिक्स आया क्योंकि सच और झूठ वो दोनों बोलता है तो सिक्स आया है तब भी वो रिपोर्ट कर सकता है सच बोल के सिक्स आया है और सिक्स ना आए मतलब वन से फाइव में कुछ आए और तब वो रिपोर्ट करे कि सिक्स आया है तो वो रिपोर्ट करे आर इज द ओवरलैपिंग इवेंट कि वो रिपोर्ट करे

सच बोले तभी वो एक्चुअल रिपोर्ट कर रहा है सच बोल रहा है तभी सिक्स आएगा तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी आर बाई टी पी टी होल डिवाइड बाई पी आर बाई टी पी टी प्लस पी आर बाई एफ पी एफ तो बेसिकली पीटी और पीएफ दे रखा है हमें निकालना क्या है पी आर बाई एफ और पी आर बाई टी हमें पता है कि वो सच बोल रहा है तब वो रिपोर्ट करेगी सिक्स आए इसका मतलब जब एक्चुअली में सिक्स आ जाए और सिक्स आने की प्रॉबिलिटी क्या होती है वन बाई सिक्स सिक्स आ जाए हमें पता है वो सच बोल रहा है तो सच बोलने का एक ही तरीका होगा ठीक है तो एक्चुअल में सिक्स आ जाए हमें पता है ऑलरेडी वो सच बोलेगा ही और तब वो रिपोर्ट करेगी सिक्स आए तो एक्चुअल में डाइस में क्या आ जाए सिक्स आ जाए और सिक्स आने की प्रॉबलिटी क्या है वन बाई सिक्स हमें पता है वो झूठ बोल रहा है फॉल्स है तब वो रिपोर्ट करेगी सिक्स आए हमें पता है वो झूठ बोल रहा है झूठ बोलेगा झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब या तो डाइस में वन आ जाए टू आ जाए थ्री आ जाए फोर आ जाए फाइव आ जाए इनमें से कुछ आ जाए तब वो रिपोर्ट करे कि सिक्स आए तो वो गलत हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसका मतलब अदर देन सिक्स कुछ भी आ जाए तब वो झूठ बोल देगा वन आ गया तो भी बोल सकता है सिक्स आ गया टू आ गया तो भी बोल सकता है सिक्स आ गया थ्री आ गया तो भी बोल सकता है फोर आ गया तो भी बोल सकता है फाइव आ गया तो भी बोल सकता है तो यहां पर यह सारी वैल्यूज रख देंगे सॉल्व कर लेंगे ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन अ टेस्ट एन एग्जामी आइदर गेस एक स्टूडेंट या तो गैस करेगा एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन है या जानता होगा या तो गैस करेगा उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट तो या तो गैस करेगा या कॉपी करेगा या जानता होगा उसका आंसर तो ये तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस हो गए ठीक है विद द फोर चॉइसेस चार चॉइस है चार चॉइस हैं तो सही होने ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है तो सही होने की प्रॉबलिटी वन बाई फोर होती है गलत होने की प्रॉबलिटी थ्री बाई फोर होती है ठीक है प्रॉबर्टी दैट ही मेक्स अ गेस गेस कर रहा है इस बात की प्रॉबर्टी वन बाई थ्री प्रॉबर्टी दैट ही कॉपीज द आंसर कॉपी कर रहा है इस बात की प्रॉबलिटी वन बाई सिक्स तो ऑब्वियसली जानता है वन से ये दोनों सब ट्रैक कर दो तो वन बाई टू आ जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स करोगे तो वन बाई टू इज द आंसर ठीक है जानता है आंसर को गिवेन दैट द प्रोबेबिलिटी अब ध्यान से देखो द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट अच्छा गेस करे कॉपी करे या जानता हो आंसर को तो करेक्ट तो किसी भी केस में हो सकता है तो उसका आंसर करेक्ट है इज द ओवरलैपिंग इवेंट की आंसर इज करेक्ट गेस करेगा तो भी चांस है वन बाई फोर चांस सही होने का कॉपी करेगा तो गॉड नोज बिकॉज किससे कॉपी कर रहा है तो भी सही हो सकता है गलत भी हो सकता है और जानता है तब तो सही होगा हो ही होगा ठीक है तो आंसर उसका सही हो दैट इज द ओवरलैपिंग इवेंट द प्रॉबलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवेन दैट ही कॉपीड हमें पता है उसने कॉपी करा है तब उस, उसका आंसर करेक्ट हो ये प्रॉबलिटी दे रखी है वन बाई एट अच्छा इसी चीज को यहां पे कर लेते हैं हमें पता है वो गेस कर रहा है तब उसका आंसर करेक्ट हो तो तुम्हें तो तो पता है गेस करेगा तो आंसर करेक्ट होने की प्रॉबलिटी क्या होती है वन बाई फोर हमें पता है वो जानता है आंसर तब उसका आंसर करेक्ट हो तब तो प्रॉबलिटी वन ही आएगी बिकॉज अगर वो जानता है तो ऑब्वियसली जानने का मतलब वो सही जानता है ठीक है तब आंसर करेक्ट होगा दैट इज वन प्रॉबलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवेन दैट ही करेक्टली गिवेन दैट ही करेक्टली आंसर डिट मतलब उसने आंसर सही टिक करा है तब इस बात की प्रॉब्लिटी बताओ कि वो आंसर जानता हो तो ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी है पता है मैं आंसर सही आ चुका है तब उसमें से एक इंडिविजुअल इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दोगे पी ए जी पी जी पी ए बाई सी पी सी पी ए बाई के पी के सिंपल ठीक है और आई थिंक सारी वैल्यूज़ सामने लिखी हुई हैं, जो भी जो डेटा है सब कुछ सामने लिखा है तुम्हारे वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे तो आई थिंक पैटर्न क्वेश्चन का समझ में आ रहा होगा बेस थ्योरम कैसे यूज कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन हैं अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से हैं ये अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटानगर एक लेटर आया तुम्हारे पास ठीक है लेटर जिस जिसपे बाहर इन्वेल्प होता है या तो वह टाटानगर से आया है या फिर कैलकाटा से आया है कहीं से भी आ सकता है लेटर मान लेते हैं टी इज द इवेंट कि वो लेटर टाटानगर से आया है एन सी बीज द इवेंट कि वो लेटर कैलकटा से आया तो कहीं से भी लेटर आ सकता है इक्वली लाइकली है तो टाटा नगर से आए या कैलकाटा से आए हाफ इक्वली लाइकली है तो हाफ इज द प्रॉबलिटी ऑन द एनवलप जस्ट टू लेटर्स आर विजिबल सपोज कर लो एनवलप पे पानी गिर गया और दो कॉन्जेगेटिव लेटर टी ए विजिबल है तो टी ए विजिबल यहां पे यहां पे भी हो सकते हैं कॉन्जेगेटिव या टीए विजिबल यहां पर भी हो सकता है तो टीए विजिबल होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट ओवरलैपिंग इवेंट क्या है टीए इज विजिबल क्लियर है वॉट इज द प्रॉबलिटी दैट द लेटेस्ट कम फ्रॉम कैलकटा हमें पता है टीए विजिबल है इज द ओवरलैपिंग इवेंट और वो अब कैलकटा से आए ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी है उनमें से एक इंडिविजुअल इवेंट क्या अकर करने की प्रॉबलिटी पूछी जा रही है तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्यूरम तो या तो लेटर कैलकाटा से आएगा या फिर लेटर टाटा नगर से आएगा ठीक है पीटी और पीसी दे रखा है हमें निकालना है पी ओ बाई सी हमें पता है कि लेटर कैलकटा से आया है तब टी ए विजिबल हो तो देखना जरा अच्छा क्वेश्चन है कैलकटा की स्पेलिंग देख रहे हो तुम लोग यहां पे दो कंजर्वेटिव लेटर कैसे कैसे विजिबल होंगे ध्यान से देखना सी एल एल सी सी यू यू टी 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 ए तीन चार पांच छः सात सात तरीके हैं जब दो कंजेटिव लेटर देखेंगे और उनमें से एक फेवरेबल तरीका है टीए विजिबल हो दैट इज वन बाई सेवन ठीक है इसी तरह से पी ओ बाई टी हमें पता है लेटर टाटा नगर से आया है तब ए विजिबल हो तो टाटा नगर में इसी तरह से बनाओ जरा कंजेटिव लेटर टी ए टी फिर टी ए ठीक है टी ए ए टी टी ए एन एन एजी जी ए आर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और टीए विजिबल हो जरा देखो फेवरेबल केस क्या के आ रहा है टीए टीए दो तरीके आ रहे हैं क्लियर है तो पी ओ बाई सी वन बाई सेवन पी ओ बाई टी टू बाई फोर वन बाई फोर और सारी वैल्यूज यहां पे आई थिंक दे रखी है पीटी पी सी भी दे रखा है और मान लो टाटा नगर वाला केस है तो वो भी निकाल सकते हो तुम लोग ये विजिबल है तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो टाटा नगर से आया तो फॉर्मूला अब लिखना शायद तुम लोगों के लिए आसान हो गया हो इसको पलट देते हैं ये लिख देते हैं नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला आ जाएगा बाई टी इन टू टी पी ओ बाई सी इन टू पी सी सिंपल क्लियर है आई थिंक ठीक है अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास फाइव परसेंट ऑफ बॉयज एंड टेन परसेंट ऑफ गर्ल्स हैव आई क्यू मोर देन वन फिफ्टी तो फाइव परसेंट ऑफ बॉयज और टेन परसेंट ऑफ गर्ल्स हैव आई क्यू मोर देन वन फिफ्टी आई क्यू वन फिफ्टी से ज्यादा है 5% परसेंट बॉयज की और टेन परसेंट गर्ल्स की ओके, इन दिस क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज 60% परसेंट बॉयज हैं इसका मतलब 40% गर्ल्स हैं। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट एंड फाउंड इट हैव आईक्यू मोर देन 150, तो देखो या तो बॉय आएगा एक ही स्टूडेंट निकाल रहे हो या तो बॉय आएगा या गर्ल आएगी बॉय आ रहा है दैट इज बॉय ए इज द इवेंट कि बॉय आ रहा है सिक्सटी परसेंट मतलब सिक्स बाई टेन मीन्स थ्री बाई फाइव गर्ल आ रही है फोर्टी परसेंट मतलब फोर बाई टेन मीन्स टू बाई फाइव ओवरलैपिंग इवेंट क्या है ओवरलैपिंग इवेंट है आई क्यू वन फिफ्टी से ज्यादा होना ओवरलैपिंग इवेंट ठीक है ओवरलैप मतलब से ज्यादा आई क्यू बॉय की भी हो सकती है वन फिफ्टी से ज्यादा आई क्यू गर्ल की भी हो सकती है तो ओवरलैपिंग इवेंट फाइंड द प्रॉबर्टी मतलब एक पर्सन को चूज करा गया है और उसकी आई क्यू वन से ज्यादा आ रही मतलब ओवरलैपिंग इवेंट अगर कर चुकी है फाइंड प्रॉबर्टी दैट इट इज अ बॉय दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रॉब्लिटी आई थिंक समझ रहे हो गए वन फिफ्टी से ज्यादा आईक्यू आ चुकी है वन फिफ्टी से ज्यादा आईक्यू आना इज द ओवरलैपिंग इवेंट और तब वो बॉय हो तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थियोरम तो ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा ठीक अब हमें क्या बताना है पी ओ बाय ए हमें पता है वो बॉय है तब उसका आई क्यू वन फिफ्टी से ज्यादा हो क्लियरली दे रखा है पूरा डेटा फाइव परसेंट मतलब फाइव बाई हंड्रेड मीन्स वन बाई ट्वेंटी हमें पता है वो गर्ल है तब उसका आई क्यू वन फिफ्टी से ज्यादा है दैट इज टेन परसेंट वन बाई टेन सिंपल तो ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां पे रख देंगे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सपोज देर आर फाइव मेन आउट ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वुमेन आउट ऑफ थाउजेंड पांच मेन हैं आउट ऑफ हंड्रेड पांच मेन कलर ब्लाइंड एंड आउट ऑफ थाउजेंड पच्चीस वुमेन कलर ब्लाइंड तो अगर हंड्रेड में देखें, तो टू पॉइंट फाइव वुमेन आएंगी तो हंड्रेड में ही परसेंटेज निकाला जाता है तो आउट ऑफ हंड्रेड अगर देखा जाए तो पांच परसेंट मेन कलर ब्लाइंड है और टू पॉइंट फाइव परसेंट कलर ब्लाइंड है ठीक है इस चोजन एट रेंडम, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ दिस पर्सन अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज चोजन एट रेंडम, कलर ब्लाइंड होना इज द ओवरलैपिंग इवेंट अच्छा ए इवेंट मान लेते हैं कि वो मैन है बी इवेंट मान लेते हैं कि वो वुमेन है या तो एक पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं या तो मैन आएगा या वुमेन आएगी इज द ओवरलैपिंग इवेंट की वो पर्सन कलर ब्लाइंड है मैन भी हो सकता है वुमेन भी हो सकती है तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन तुमने सेलेक्ट कर लिया है ओवरलैपिंग इवेंट वट इज द प्रॉबलिटी ऑफ दिस पर्सन टू बी अ मेल मेल है मतलब मेन है मतलब ए है तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रॉबर्टी पी ओ बाई ए इन टू पी ए पी ओ बाई ए इंटू पी ए प्लस पी ओ बाई बी पी बी ठीक है तो यहां पे अब क्या निकालना है तुम्हें PO बाई ए हमें पता है वो मेल है तब वो कलर ब्लाइंड है क्लियरली डेटा दे रखा है पांच परसेंट फाइव बाई हंड्रेड वन बाय ट्वेंटी हमें पता है वो वुमेन है तब वो कलर ब्लाइंड है ढाई परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट बाय हंड्रेड ठीक है तो ये पूरा डेटा यहां पे रख देंगे सॉल्व कर लेंगे सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा तो आई थिंक ये बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी कि बेस थ्योरम की इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी जाती है ठीक है तो इन्हीं एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे हम लोग और मेन चीज़ है कि बेस थ्योरम आइडेंटिफाई करना तो आई थिंक ये आठ दस क्वेश्चन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मूला याद हो गया होगा